गाइस गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर ब्लॉग वीडियो। तो गाइस इवनिंग का जो टाइम है 4:30 हो चुका है एंड आज का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा सा बाहर में आगे थोड़ा सा वीडियो शूट किया जाए। तो आज का नज़ारा आप सभी को दिखा देती हूँ। चलिए तो देख सकते हैं पूरा क्लाउडी वेदर जो है, क्लाउडी हुआ है एंड थोड़ा थोड़ा सा जो है बारिश भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा सिर एंड थोड़ा सा बारिश के बूंदे आने लगे हैं मेरे फेस के ऊपर में। उसको तो इग्नोर कर दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा वेदर अभी कभी देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा हवा भी चल रहा है, थोड़ा सा बारिश भी आ रहा है और मौसम जो है सुहाना हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज सभी थोड़ा सा मेरा जो बारी पीछे तरफ का उसको थोड़ा सा टूर किया जाए, आप सभी को भी दिखा दूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं नहीं गई थी पीछे तरफ बारी की तरफ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को भी ले कर चलते हैं, बारी हमारे का टूर करते हैं, क्योंकि जब छोटा छोटा पौधा था उस टाइम मैंने आप सभी को दिखाया था एंड आज आप सभी को दिखाऊंगी। और आज मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ हमारे पीछे तरफ बारी में, तो लेट्स गो एंटर द बारी गार्डन एंड देखते हैं क्या क्या है। और आज मेरा गृह प्रवेश होने वाला है, तो चावल का एक क्या बोलते हैं लोटा, उसको रखना चाहिए यहाँ पर, बट अभी नहीं है, इसी से ही इसी को गेट को ही हम अभी खोलेंगे एंड मेरा जो है गृह प्रवेश होगा आफ्टर द लॉन्ग टाइम। तो आज मैं आप सभी को दिखाऊंगी हमारे बारे में क्या क्या हुआ है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो देख सकते हैं ये क्या है गाइस, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। तो चलो कोई नहीं, मैं यही बता देती हूँ। तो ये है मकई, तो ये जब छोटा छोटा था, इतना छोटा था उस टाइम मैंने आप सभी को दिखाया होगा शायद। तो गाइस देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं मेरे से भी बड़ा हो चुका है ये, थोड़ा हाइट थोड़ा देखते हैं, चलिए देख सकते हैं हाइट, इसका हाइट, ये पौधा का हाइट एंड मेरा हाइट देख सकते हैं, ये मुझसे भी बड़ा हो गया है, आसमान छूने लगा है ये। तो चलिए फिर, तो अभी सभी देख सकते हैं यहाँ पे फल भी लग चुके हैं जो कि छोटे छोटे हैं, अभी खाने के लायक नहीं हुआ है। तो देख सकते बहुत जितना हमने लगाया था, बीज लगाया था उससे भी उतना सब कुछ निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा प्यारा दिख रहा है एंड हमारे जो विंडो है वहाँ से पूरा क्लियरली दिखता है ये। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो हमने कितना लाइन लगाया था, मैं भी 8 लाइन लगाया था, तो 8 लाइन में सारा जो है मकई सब कुछ निकला है एंड नेक्स्ट आप सभी को दिखाते हैं। चलिए नीचे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अभी सांप बिच्छू का टाइम चल रहा है, उनका निकलने का टाइम है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा पूरा बारी, देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, सब चीज़ें हरा भरा हो चुका है एंड ये है रहर, रहर दाल बोलते हैं, जो कि ये जब मैं इसको दिखाई थी आपको उस टाइम बहुत छोटा छोटा था, इतना छोटा छोटा था। तो देख सकते हैं अभी कितना बड़ा बड़ा हो गया हमारा रहर दाल, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा होता है, उस टाइम भी आप सभी को दिखाऊँगी जब ये बड़ा होगा, इससे बड़ा, जब मकई का पौधे के बराबर आ जाएगा उस टाइम आप सभी को दिखाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल इतना बड़ा मैं दिखा रही हूँ क्योंकि अभी मकई का फल हो चुका है, इसलिए मैं आपको लेके आई हूँ पीछे तरफ दिखाने के लिए एंड हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगाया था एंड यहाँ पे हमने लगाया था बरबट्टी, देख सकते हैं बरबट्टी हमने लगाया था जो कि हमने आधा खा के ख़त्म भी कर लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए देख के एक टुक खोज के देखते हैं, अगर होगा तो आप सभी को दिखाएँगे। मम्मी सुबह सुबह इसको तोड़ के लेके गए हैं बनाने के लिए, जो कि मैं कल बनाऊंगी, बट अभी तो नहीं दिख रहा है मेरे आँख में। ये मिल गया एक, ये देखिए ये जो है सूखा हुआ है ये वाला सब, इस बार बहुत जल्दी सूख गया हमारा बरबट्टी, पता नहीं कैसे, में ज़्यादा दिन हम खा भी नहीं पाए एंड ये सूख गया, देखो बहुत ज़्यादा पतला पतला हुआ। इस बारी का फसल जो है इतना अच्छा नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए ज़्यादा जल्दी बूढ़ा हो जा रहा है ये सब कुछ एंड हमने चारों तरफ जो है रहर दाल लगाया हुआ है, देख सकते हैं एंड आगे की तरफ मकई।
और गाइस मैं भूल गई थी, यहाँ पे हमने लौकी भी लगाया हुआ है। 2-3 बीज मैंने लगाया था जिसका कि ये लोहा हुआ है, और ये देख सकते हैं उसमें फूल भी आ रहा है, और फूल कब आएगा पता नहीं। एंड गाइस लुक एट द वेदर, कितना प्यारा दिख रहा है। सो गाइस अभी हम बारिश से लेते हैं विदाई, बाहर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम हो चुका है। आप सभी को मैंने दिखा दिया हमारे बारी में फसल जो हमने लगाया था। एंड इस बारी हमारा जो मकई हुआ है फल, इसमें जो लगा हुआ है इतना खास नहीं हुआ है, नहीं तो पिछले बार बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटा मोटा हुआ था इसके जो फल है, बट इस बार बहुत ज़्यादा पतला हो गया, पता नहीं कैसे में। सो गाइस आप सभी ने अपने बारी में क्या क्या लगा है कमेंट करके आप बताइए जल्दी से। एंड हमारा तो आप सभी ने देख लिया है, एंड बहुत दिनों के बाद, मैं भी 2 दिनों के बाद अभी सूर्य देवता का दर्शन हुआ है। इधर देख सकते हैं उनका किरण जो है आ रहा है। तो हम भी यहाँ से लेते हैं विदाई और अंदर चल के फिर खाना पीना बनाएंगे। गाइस मैं भी यहाँ से जाने ही वाली थी कि मेरा नज़र ये हमारा नींबू में पड़ गया, नींबू का पेड़ में। एंड ऊपर ऊपर में बहुत सारे नींबू है, रुकिए आप सभी को अच्छे तरीके से दिखाते हैं। देख सकते हैं कितना सारा नींबू हुआ है इस बार, फर्स्ट टाइम इतना सारा नींबू हमारे पेड़ में हुआ, नहीं तो कभी नहीं होता है। कहाँ से सूरज उग गया पता नहीं। देख सकते हैं कितना सारा है, बट ये खाने के लायक नहीं हुआ है अभी तक, और थोड़ा बड़ा होने के बाद इसको लेके जाएंगे एंड नींबू पानी बना के पियेंगे। विदाई, मैंने विदाई ले ली। गृह प्रवेश करने में भी देर नहीं था एंड वहाँ से विदाई लेने में भी देर नहीं हुआ मुझे, तो ज़्यादा देर रह नहीं सकते। मच्छरों का गैंग आके मुझे उठा के ले जाने वाले थे, इसलिए मैं जल्दी से वहाँ से फ़ौरन वापस आ चुकी हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा करेले का लोहो बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं मुझे हिंदी में पता नहीं है, लोहो या तो पौधा। आप अगर जानते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मुझे सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। तो देख सकते हैं हमारे घर में हर तरह के सब्जी का पेड़ मिल सकता है आप सभी को। अभी हमें मार्केटिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, बट इस बार इतना अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पे कोकोरलो है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका भाव जो है मार्केट में 60-70 चल रहा है, और मुझे मेरे भैया को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कोकोरलो भुजिया, बट फिर भी इसका दाम इतना क्यों। वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, प्यारे से वीडियो में। और इस वीडियो में तो ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ हमारे खेती के बारे में था। तो आई होप आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे। एंड क्या बोलूँगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रही हूँ गाइस कि मैं Q&A सीरीज़ रखूँ, क्वेश्चन आंसर सीरीज़ रखूँ, जो कि बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे कॉलेज के रिलेटेड एंड क्या हॉस्टल के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि मुझे एक वीडियो में देना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ना नेक्स्ट वीडियो जो है उसको मैं Q&A सीरीज़ का वीडियो रखूँ। तो आप सभी को मैं बोलना चाह रही हूँ कि रिक्वेस्ट कर रही हूँ गाइस, ये बोलना नहीं है, सिर्फ आप सभी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर आप सभी के मन में मेरे लिए या तो मेरी फैमिली के रिलेटेड या तो मेरे हॉस्टल कॉलेज के रिलेटेड आप सभी के मन में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो आप सभी इसी वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड मैं नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगी वो है Q&A सीरीज़, उसी में आप सभी का सबका जो है आंसर्स मैंने दे देना है। तो चलिए फिर यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे। एंड प्लीज़ 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 जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिना लाइक किए मत जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।